references to the epic, the epics are not new. We've seen election campaigns in the past as well where Jai Shri Ram has been a refrain. We've seen it in Karnataka, sir. We've seen it in Gujarat. We've seen it in even in Bengal during the last Lok Sabha election, we saw it. How do you view this? Because it appears to be a template. And this current engagement between the BJP and the Trinamool appears to be dominating with that one refrain. Shiv, the template is not new. We've seen the template of the BJP much before the BJP was born, when it was Jan Sangh, before that when it was the RSS or even the Hindu Mahasabha. The template is to look for fault lines where they exist, to create fault lines where they don't exist. I mean, imagine dividing gods now. I was amused when they were trying to divide the film industry on the Sushant Singh Rajput case. I was depressed when they were trying to polarize icons which are no longer alive. Nehruji versus Patel versus Netaji versus XY. Everybody, they will divide everyone. Because, why do they do that? They do that because there is no agenda. There is no vision. Shortcut. What is the shortcut? I create a rift between two groups and try and rule. I was listening to Ms. Kakoli Ghosh. India is indeed a confluence of various ideologies, belief systems, religions, languages, cultures. And Congress Party is also the confluence of all of the above. Have you seen rivers fighting with each other before they enter the sea? If the rivers start fighting, the sea will dry up and there will be mayhem. Trahi trahi mat jayegi, agar nadiyan aapas mein ladengi, sagar sook jayegi. ये बात भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनाव जीतना आता है इनको लगता है इन्हें चुनाव जीतना आता है I will put that question you want to finish your point yes sir? I want to. please finish your point and then I'll आप चुनाव जीत जाएं और देश हार जाएं एक कैसी जीत है आपकी इस जीत पर आपको शर्म आनी चाहिए देश को शर्म आ रही है आपकी जीत पर दिलीप घोषी डू यू वांट टू रिस्पोंड टू दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द बीजेपी इज कि कोई एजेंडा नहीं है कोई इशू नहीं है और इसलिए ये जो डिविजन है ये ला रहे हैं आपके चुनाव प्रचार में नहीं देखिए ये एजेंडा कोई अचानक एंड दे आल्सो सेड यू आर डिवाइडिंग द गॉड्स वो है एक एलिगेशन नहीं नहीं हम गॉड्स के बारे में बात यहाँ नहीं करते हमारे लिए अलग जगह है हम राम मंदिर बना रहे हैं मंदिर में पूजा करने जाते हैं यहाँ टीएमसी पुलिस हमको डंडा मारती है जेल में भर देती है वो अलग है कांग्रेसों ने राम मंदिर के लिए बहुत विरोध किया है आज भी कर रहे हैं जगह जगह वो अलग बात है बात वो नहीं है डिवाइड रूल किसने किया है इतिहास है कांग्रेस ने किया है उनकी बाई प्रोडक्ट टीएमसी ने की है यहाँ मुसलमानों के लिए हर प्रकार की सुविधा यहाँ आईटीआई पॉलिटेक्निक बनाया मुआज्जिम निजम भाता दिया इमाम भाता दिया आज जब उल्टा पड़ गया मामला तो पुरोहित भाता की बात करें हमने तो सबका साथ सबका विकास की बात की हमेशा काम भी की और इसीलिए जहाँ कभी बीजेपी की झंडा नहीं थी आज वहाँ सरकार है और जहाँ कांग्रेस की झंडा सरकार थी आज वहाँ तो नाम लेने वाला कोई दुकान खोलने वाला कोई नहीं है ऑफिस में ताला है तो लोगों के सामने हम जाते हैं जिन्होंने लोगों को आज तक धोखा किया है लोग उनको सजा दिया है आज तो देश भर में कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ है बंगाल भी कांग्रेस मुक्त हो रहा है जिन कम्युनिस्ट पार्टियों की यहाँ 36 एमपी थी 42 में आज उनका एक भी नहीं है और टीएमसी की भी ये समय देखने के लिए अगले चुनाव के बाद मिल जाएगा इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ जाती है लोगों के समस्याओं को लेकर बात करती है हमारे प्रधानमंत्री शौचालय की बात करते हैं आवास योजना की बात करते हैं गैस की बात करते हैं घर घर तक पानी बिजली की बात करते हैं और लोग विश्वास करते हैं इसलिए गाँव गाँव में मोदी सारा दुनिया में मोदी मोदी हो रही है और इनके नाम कौन ले रहा है